अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 पार्ट वन की जो है वो डिस्कस करनी है। तो ये एक्सरसाइज जो है इसमें दो टॉपिक हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो चलते हैं जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, जिसमें मिसाल के तौर पे 9 / 4 है। तो 9 को डिवाइड करें 4 से, तो 4 × 2 = 8 और रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये डिवाइजर है, और ये जो 2 है ये कोशेंट है, और ये जो 9 है इसको आप डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो 1 नीचे बच रहा है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो डिविडेंड है, डिविडेंड ये इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जैसे डिविडेंड हमारे पास 9 है, डिवाइजर 4 है, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन करें 2 और प्लस करते रिमाइंडर 1। तो 4 × 2 = 8 + 1 = 9। तो ये बुक पे एक लाइन लिखी हुई है रिमाइंडर थ्योरम से ऊपर, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, तो वो भी आपने हाईलाइट कर लेना है। और अब आपको समझ आ रही होगी कि डिविडेंड क्या होता है, जो डिवाइड हो रहा हो, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा हो, क्वेश्चन जो ऊपर आंसर आ रहा है, रिमाइंडर जो नीचे बच रहा है। तो ये एक लाइन आपने याद रखनी है, इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। रिमाइंडर थ्योरम में बेटा इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में, सही है। तो इसका छोटा सा प्रूफ भी है, तो बहुत आसान सा प्रूफ है। तो ये करते हैं हम, कि बुक पे लिखा हुआ है कि इफ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n, और n जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है, और n यहां पर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ऐसी पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर जो n है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हमने इसको डिवाइड करें, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, ठीक है जी। तब तक आपने डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर में कोई एक्स टर्म ना बचे, इन द रिमाइंडर देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर। तो एफ ऑफ ए जो है वो हमारा रिमाइंडर बन जाता है, क्लियर। दोबारा इसकी स्टेटमेंट समझ लें कि इफ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर है, is divided by x minus a till no x term exists in the remainder, then f of a is equal to r, r mean remainder है। अब इसका छोटा सा प्रूफ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रूफ है कि हम सपोज करते हैं, suppose
वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, जब आप एक पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स को बाय एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो देर एग्जिस्ट देन देर एग्जिस्ट अ यूनिक रिमाइंडर, अ यूनिक क्वेश्चन पहले लिख लें, ऊपर जो आंसर है वो यूनिक आएगा और यूनिक क्वेश्चन को मैं कह देता हूं कि वो क्यू ऑफ एक्स है एंड अ यूनिक रिमाइंडर r। तो अगर जब हम एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी यूनिक आएगा और नीचे जो रिमाइंडर है वो भी यूनिक आएगा, तो फिर ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस r रिमाइंडर। ये वही स्टेटमेंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो इसको जो है मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सारी आपकी बुक की स्टेटमेंट है, ओके। तो ये बुक पे आपके लिखी हुई है, पेज नंबर लगभग ये 156 है बुक का पेज नंबर, उस पे लिखी हुई है। तो अब चलते हैं हम आगे, इसमें x की जगह पे जब मैं a सब्स्टिट्यूट करूँगा तो a माइनस a जो है वो जीरो हो जाएगा और सिर्फ रिमाइंडर बच जाएगा। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूटिंग करें x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन वन, तो यह आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a इनटू q ऑफ a प्लस r, a से कैंसिल हो जाएगा तो f ऑफ a इज इक्वल टू 0 प्लस r, तो f ऑफ a इज इक्वल टू r, तो ये हमारा रिमाइंडर है। यानी कि x माइनस a से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की a उसमें को पुट करें तो जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर है उस पॉलिनोमियल का, क्लियर। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम आगे फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम जो है बेसिकली इसमें ऐसे है जैसे मैं कहता हूं कि आप जो है वो टू के फैक्टर निकालें, तो फैक्टर बेसिकली आल उसके जो टू को सारे वो नंबर जो डिवाइड करते हैं, जैसे वन और टू जो है वो टू के फैक्टर हैं, फोर के आप फैक्टर निकालें तो वन टू और फोर खुद भी, सही है जी। तो फैक्टर वो नंबर होता है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करे, जैसे आप 10 के फैक्टर निकालें तो 1, 2, 5 और 10, तो 1, 2, 5 और 10 जो है वो 10 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। यानी कि फैक्टर में डिवीजन जब आप करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 को 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड करें तो 2, 4 आर 8, तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा ज़ीरो आता है, ठीक है। तो जब मैं एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन जो है वो आ जाता है जैसे जी ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसकी जो स्टेटमेंट बनती है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और जी ऑफ एक्स प्लस आर, चाहे आप इस पे को
क्यू ऑफ एक्स लिख लें चाहे आप इसको जी ऑफ एक्स लिख लें, एक ही बात है। तो इसमें रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। जैसे बुक की स्टेटमेंट पे भी लिखा हुआ है कि द पॉलिनोमियल एक्स मान से इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इन इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ये है कि रिमाइंडर जीरो होगा। फिर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू ए इज अ रूट ऑफ। तो यहाँ से जो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो उसकी रूट है, तो रूट उसको कंप्लीट सेटिस्फाई करती है, यानी कि उसको रिमाइंडर जो है वो हमेशा जीरो आता है। ओके तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आपके पास कि एक्स माइनस ए जो है इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और जी ऑफ एक्स प्लस जीरो। ओके इसी तरह अगर मैं यहां पर लिख दूं कन्वर्सली, अगर करें कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, जब वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है वो जीरो है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट है। फैक्टर में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो आता है। क्लियर। अब चलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट है, सिंथेटिक डिवीजन क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.5 पे। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है अच्छी तरह से। ठीक है, बोर्ड भी मैं आप लोगों के लिए नया लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ बेहतर नहीं मिला, जैसा चाह रहा था वैसा नहीं मिला। ठीक है, मार्केट्स वगैरह बंद हैं आजकल, ये रेज नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, तो इधर इतना से जो है ना वो काम चलाते हैं हम इस साइड से। ठीक है जी, देखिए बेटा एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1-4 जो है ये सेम क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और x प्लस 1। ओके तो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल, तो आप रिमाइंडर फाइंड करें। तो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस 3x प्लस 7, और ये जो x प्लस 1 है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ये डिवाइजर है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन के मुताबिक जो डिवाइजर है वो x माइनस ए है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। वैसे तो अपने जहन में आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप उसकी एग्जाम्पल देखें तो कहीं भी उसने जो डिवाइजर है उसको इज इक्वल टू 0 नहीं किया, उसने इसको x माइनस ए के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो x माइनस ए x माइनस इंटू माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो वो इसमें पुट कर दें आप। तो माइनस 1 है ये a की वैल्यू, बेसिकली ये x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू a। ओके तो आप अपने जहन में एक दफ़ा ऐसे लिख दें इस तरह से इस फॉर्म में, क्योंकि उसने बुक पे भी एग्जांपल में भी इसी फॉर्म से लिखा है। बाकी आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 1 इसमें पुट कर दें तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 7, 7 प्लस 1 8 माइनस 3 और 5, तो यही आपका रिमाइंडर है। ओके 5, क्लियर, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस 1 है और आर की वैल्यू 5 है। क्लियर, ओके चलें अब चलते हैं आगे हम।
अब इसका क्वेश्चन 2, 3, 4 सेम ऐसे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 4 भी मैं आपको करवा देता हूँ। फोर में है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और x माइनस 3 से आपने डिवाइड करना है। तो ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि ये आप इसका रिमाइंडर बताएं, ठीक है जी। तो x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दें आप, तो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो आप x माइनस 3 को x माइनस 1 इक्वल लिखें, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये इसमें पुट कर दें आप। तो f ऑफ 3, 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू 3 और प्लस 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 टू जार 18 प्लस 9 प्लस 3, तो 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 9 39 माइनस 18, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 21, तो ये इसका रिमाइंडर है, क्लियर। तो बाकी दोनों क्वेश्चन 2 और 3 वो आपने खुद करना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक। ये कहते हैं कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करें और ये बताएं कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन 5 देखें, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। हमने ये बताना है बाय फैक्टर थ्योरम कि फर्स्ट जो है पॉलिनोमियल वो सेकंड का फैक्टर है या नहीं है, क्लियर। अब सेकंड जो है ये क्वाड्रेटिक एक बड़ी पॉलिनोमियल है, ठीक है, बड़ा फंक्शन है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ, एक्स के प्लस 4x माइनस 5। इसके दो फैक्टर यानी कि दो आंसर्स आने हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 इससे छोटी पॉलिनोमियल है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो 1, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो a की वैल्यू 1, तो x की जगह पे आप 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 माइनस 5, 5 माइनस 5 और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, क्लियर। तो सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ओके। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी हम आगे और कोई थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ओमेगा प्लस 2 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7, ओके। इसमें देखें तो ये इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है पॉलिनोमियल, तो पहले इन टर्म्स ऑफ एक्स थे तो हम उसको एफ ऑफ एक्स लिख लेते थे, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है तो आप इसको एफ ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब यहाँ पर देखें तो ओमेगा प्लस 2 हमने साबित करना है कि इसका फैक्टर है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो माइनस 2 आएगी, ओके। तो माइनस 2 जो है वो इसमें पुट कर दें, एफ ऑफ माइनस 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 और प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा माइनस 8,
माइनस एट को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्सटीन, माइनस टू का स्केयर प्लस फोर, फिर प्लस एट और प्लस सेवन, तो माइनस सिक्सटीन प्लस फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन, तो नाइनटीन माइनस सिक्सटीन करें तो थ्री, तो एफ ऑफ माइनस टू। तो देखें इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो सो हम लिखेंगे ओमेगा प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस फोर ओमेगा और प्लस सेवन, यानी कि ओमेगा प्लस टू जो है वो इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, देख लें, ठीक है जी, चलते हैं आगे, रुकना नहीं है। अब देखें जी क्वेश्चन सेवन और एट, एट और नाइन, सेवन मैंने आपको करवा दी, एट और नाइन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी एक दो दफा आए हुए हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दोनों करवाता हूँ, एट देखें, लिखा है कि x माइनस ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स वन टू थ्री एंड सो ऑन। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स को सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होते हैं, क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। अब इसमें इस को जो है ना, ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसको मैं कह लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा ए, ठीक है, तो ए इसमें पुट कर दें, एफ ऑफ ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन। अब आप ज़रा गौर करें, जब भी एन पॉजिटिव होगा, एन पॉजिटिव होगा तो ए की पावर एन का आंसर भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही आएगा ना, जैसे ए की पावर थ्री है तो ए की पावर थ्री ही रहना है, ए की पावर फाइव है तो ए की पावर फाइव ही रहना है, तो ए की पावर एन है तो ए की पावर एन ही रहना है, तो ये कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो देखें इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, तो हम कह देंगे सो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, क्लियर, समझ आ रही है ना भैया आप लोगों को, है, तो देख लेंगे जरा इसको। ओके, फिर नेक्स्ट में नाइन भी करवाता हूँ आपको। ओके, इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी जो है वो लास्ट टू क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट, सही है। बाकी देखें, अब क्वेश्चन नाइन लिखा हुआ है कि x प्लस ए एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n, वेयर n इज एन ऑड इंटीजर, n इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर मीन वन टू थ्री एंड सो ऑन। ओके, देखें जी एफ ऑफ एक्स इसको लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, ठीक है, और यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस ए, माइनस ए इसमें पुट कर दें, माइनस ए माइनस ए की पावर एन ए की पावर एन। आपको पता है कि माइनस वन की पावर एन हो
और ये माइनस वन हमेशा तब होगी जब n जो है वो ऑड नंबर्स को बिलोंग करेगा। जब माइनस वन की पावर ऑड होती है तो वो हमेशा माइनस वन ही रहता है। तो यहाँ पर जो n है ये ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो ये माइनस ख़त्म कभी नहीं होगा। तो ये माइनस ए की पावर n ही रहेगा और प्लस ए की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस c इज इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो हम कह देंगे सो x प्लस c इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस a की पावर n। ओके, हो गया क्वेश्चन सही है। दोनों ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसको एक नज़र आप देख लें दोबारा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये एक्सरसाइज जो है इस लेक्चर में हमने कंप्लीट करनी है। देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 और 11 है ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन 11 करवाता हूँ। लिखा हुआ है कि व्हेन द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको एक पॉलीनोमियल दी हुई है एफ ऑफ एक्स, मैं इसको लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स के इक्वल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, देन रिमाइंडर जो है वो दिया हुआ है 14, तो k की वैल्यू बताएं। ओके, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो 2 आएगी, सही है। x माइनस टू को इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लिखें तो a की वैल्यू 2 आएगी। ओके, तो वो इसमें पुट कर दें आप और रिमाइंडर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो a की वैल्यू 2। एक दफ़ा ऐसे लिखना है आपने, ठीक है, बाकी माइंड में आप यही समझें कि मैं इसको इज इक्वल टू 0 ही लिख रहा हूँ। x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 इसमें अब हम पुट कर देते हैं। जब मैं x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा 2 का क्यूब 2 इंटू 2 का स्केयर प्लस के इंटू 2 प्लस 4। अब देखें रिमाइंडर दिया हुआ है 14, तो आपको पता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ टू इज इक्वल टू रिमाइंडर होगा या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर, तो ये रिमाइंडर जो है वो दिया हुआ है 14। ये साथ में रीजन जो है वो आप लिख सकते हैं पेपर में, तो एफ ऑफ टू की जगह पे लिखें 14, ये आ जाएगा 8, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 2 आर 8 प्लस 2 के प्लस 4। तो यहाँ से के जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 14, 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 प्लस 2k, 20 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा ओ इज इक्वल टू 2k माइनस 6 ओवर 2 इज इक्वल टू k, 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस 3। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है ये, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको देखें एक दफ़ा, नेक्स्ट चलते हैं। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन 12 to 16। इसमें उसने बोला है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलीनोमियल कम्प्लीटली। अब 12, 13 और 14 ये तीन क्वेश्चन हैं, इसमें से मैं आपको कोई एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर
फिर 15 और 16 में से एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 देखें, 14 में उसने एक बड़ी पॉलीनोमियल दी हुई है 2x4 प्लस 7x3 माइनस 4x2 माइनस 27x माइनस 18, x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू माइनस 3 दी हुई है, और उसने बोला है कि ये इसका इस पॉलीनोमियल का ना सोल्यूशन है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 3 सोल्यूशन है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये उसकी रूट्स हैं, ओके, क्योंकि सोल्यूशन को हम रूट्स ही बोलते हैं। देखें जी, ये हमारे पास बड़ी पॉलीनोमियल दी हुई है, ओके। अब देखें तो मैं x की जगह पे 2 पुट करूं, ओके, और फिर माइनस 3 पुट करूं, तो ये रिमाइंडर तो 0 आएगा, मतलब 2 पर भी आंसर 0 आएगा, माइनस 3 पर भी 0 आएगा, लेकिन बाकी जो इसकी पावर 4 है, ठीक है, तो इसके x के 4 आंसर आएंगे, 2 दिए हुए हैं और बाकी जो 2 हैं वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हमें लगानी पड़ेगी बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो पॉलीनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि पावर, बड़ी पावर वाली वैल्यू पहले, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी पावर वाली वैल्यू, इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलीनोमियल होनी चाहिए। उसके बाद इनके कोफिशेंट्स लिखें आप, जैसे इसका कोफिशेंट है 2, फिर 7, फिर माइनस 4, फिर माइनस 27 और फिर माइनस 18, ओके। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे तो आपने क्रॉस लगा लें या ज़ीरो लिख लें। सबसे पहले x इक्वल टू 2 जो है इस पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा, इनको ऐड करना है आपने, 2 प्लस 0 2, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो 2 2 4, ओके, 2 2 4, फिर आपने इन दोनों को करना है ऐड, 7 प्लस 4 11, 11 टू जार 22, ओके, फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है, 22 माइनस 4 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 में से 27 माइनस किया 9, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, तो 18 माइनस 18 0, तो इससे ये साबित हुआ अगर लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है वो इसकी रूट है, इसका सोल्यूशन है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो सोल्यूशन उसने दिया हुआ है वो है कि माइनस थ्री पर भी सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमने लिखना है 0 और माइनस 3, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, इन दोनों को ऐड करें, 11 माइनस 6 5, ओके, फिर 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 15, ओके, फिर इन दोनों को ऐड करें, 18 माइनस 15 3, ओके, फिर 3 3 आर माइनस 9, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 9 माइनस 9 0, ओके, तो एंड पे 0 आ रहा है, तो माइनस 3 इसका सोल्यूशन है। वैसे भी उसने शुरू में ही बोल दिया था कि ये दोनों इसके सोल्यूशन हैं, तो अगर यहाँ पे एंड पे 0 ना आए तो फिर समझें कि कोई गलती हो रही है। अच्छा जी, अब देखें ये जो कोफिशेंट्स हैं ये बेसिकली डिप्रेस्ड इक्वेशन के कोफिशेंट्स हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है कि इसके साथ हमने लिखना है एक्स स्क्वेयर, इसके साथ एक्स, और ये कॉन्स्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म डिप्रेस्ड इक्वेशन, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है ये बन रही है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो बाकी जो दोनों सॉल्यूशन हैं वो हमें मिल जाएंगे, 2 3 जार 6 होता है और 2 प्लस 3 जो है वो 5 होता है, तो यह आ जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 1, इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू
जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ओके, और x इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो माइनस थ्री बाई टू, तो एक वैल्यू जो है वो माइनस वन आ रही है और एक वैल्यू जो है वो माइनस थ्री बाई टू आ रही है, तो यही हमने फाइनल उसका अदर सोल्यूशन जो दो रहते थे x की वैल्यूज वो हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, क्लियर। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम की नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है ना लास्ट में हमेशा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म को आगे आप इजीली फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें जी क्वेश्चन नंबर 15 और 16, चलिए मैं दोनों आपको करवा देता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, पी फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, इफ एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस सिक्स। अच्छा जी, हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू जो है वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, और उसने शुरू में कह दिया है कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, क्लियर। अगर बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ना कहे तो फिर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं। बाकी बोर्ड का ये क्वेश्चन है तो हूबहू पेपर वाला ही बुक वाला ही क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ही इसके हम कोफिशेंट्स लिखते हैं, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो है वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है पी, x का कोफिशेंट q और कांस्टेंट जो है वो है 6। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके नीचे हमने क्या लिखना होता है, 0। अब x प्लस वन और x माइनस टू इसका सोल्यूशन दे दिया है, इसका फैक्टर दे दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन पे पहले आप सॉल्व करें, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, इन दोनों को ऐड करें, पी माइनस वन, इन दोनों को ऐड किया, पी माइनस वन। अब आप पी माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस पी प्लस वन, जब माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पी प्लस वन। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या बनेगा, क्यू माइनस पी प्लस वन, इन दोनों को आप ऐड करें तो q माइनस पी प्लस वन। अब q माइनस पी प्लस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो जब मैं माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस क्यू प्लस पी और माइनस वन। जब माइनस वन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा माइनस क्यू प्लस पी माइनस वन। अब आप इन दोनों को ऐड करें, जब ऐड किया तो बन गया माइनस क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस सिक्स प्लस फाइव, ओके। तो ये जो है ये एंड पे ये बन रहा है रिमाइंडर, ओके, ये रिमाइंडर बन रहा है, क्लियर। अब चलते हैं x माइनस टू पे डिवाइड करते हैं, x माइनस टू से आप x की वैल्यू निकालें तो टू, टू पे इसको चेक करते हैं, यहाँ पे लिखना है जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन इंटू टू टू इधर लिखेंगे, ओके, पी पी माइनस वन प्लस टू करें, पी माइनस वन प्लस टू आपने साथ साथ रहने मेरे, तो ये आ जाएगा पी प्लस वन, ओके,
पी प्लस वन को आप टू से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा टू पी प्लस टू, टू पी प्लस टू, इन दोनों को ऐड करें तो क्यू वैसे आ जाएगा, टू पी माइनस पी किया प्लस पी, टू प्लस वन थ्री। ओके आगे नहीं जाना मजीद आपने, क्योंकि आगे वैल्यू जो है वो नहीं है, बस वो वाली एंड वाली वैल्यू इसके हिसाब से आ गई है, ये वाली वैल्यू जो है वो टू के हिसाब से आ गई है, तो ये आपके पास रिमाइंडर है। क्लियर, दोबारा देख लें शुरू से, माइ एक्स प्लस वन से एक्स की वैल्यू निकाली माइनस वन बाहर, और इनके कोफिशेंट्स लिखे वन पी क्यू कॉन्स्टेंट सिक्स, इनको ऐड करें वन प्लस जीरो वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, इन दोनों को ऐड किया पी माइनस वन, पी माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पी प्लस वन, इन दोनों को ऐड करें क्यू माइनस पी प्लस वन, फिर आप क्यू माइनस पी प्लस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा, आप साइन चेंज करें माइनस क्यू प्लस पी और माइनस वन, फिर इनको ऐड करें माइनस क्यू प्लस पी और प्लस फाइव। क्लियर, फिर टू पे देखें तो इन दोनों को ऐड किया वन प्लस जीरो वन, वन टू जार टू, पी माइनस वन प्लस टू किया तो टू माइनस वन प्लस वन पी प्लस वन, फिर पी प्लस वन को टू से मल्टीप्लाई करें टू पी प्लस टू, इन दोनों को ऐड किया क्यू वैसे आ गया टू पी माइनस पी प्लस पी, टू प्लस वन थ्री। अब देखें शुरू में उन्होंने कह दिया था कि एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू जो है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, जब वो इसके फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से माइनस क्यू प्लस पी प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो है, और क्यू प्लस पी प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये हमारे एंड पे रिमाइंडर बच रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इन दोनों को हम ऐड करें तो क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू प्लस पी प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू प्लस पी प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी प्लस पी टू पी, फाइव प्लस थ्री एट इज इक्वल टू ज़ीरो, टू पी इज इक्वल टू माइनस एट, और पी इज इक्वल टू माइनस एट ओवर टू, तो पी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी हमें माइनस फोर। ओके, अब पी की वैल्यू आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें हमें क्यू मिल जाएगा, तो मैं पी की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, क्यू प्लस पी की वैल्यू माइनस फोर है, माइनस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू की वैल्यू हमें मिल गई वन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एक दफ़ा, सही है, पेपर में, तो ये आपको आना चाहिए, सही है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है वो भी आप सॉल्व करें, तो कोई प्रॉब्लम हो अच्छी तरह है या फिर है तो देख लें एक दफ़ा इसको। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 16 वो भी मैं आपको करवा देता हूँ और फिर ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन 16 में उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए की वैल्यू फाइंड करें बी की वैल्यू फाइंड करें इफ माइनस टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ माइनस टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स और प्लस बी। ओके जी, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और माइनस टू और टू जो है वो इसके रूट्स हैं। ठीक है जी, अब देखें बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करें,
कोफिशिएंट्स लिखें सबसे पहले, 1-4 ए और बी। तो पॉलिनोमियल जो है वो पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले -2 पे सॉल्व करें, -2 ये 0 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 1 इंटू -2 किया -2, ओके। फिर -2 में -4 ऐड करें तो -6, फिर -6 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12, -6 इंटू -2 प्लस 12, ए प्लस 12 इन दोनों को ऐड करें, ए प्लस 12, ओके। अब आपने ए प्लस 12 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -2a -24। ए प्लस 12 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2a और -24 साथ साथ रहना है आप लोगों ने, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड करें, ये b है, b -2a और प्लस b और -24, ओके। -2a प्लस b -24, चेक कर लो कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, अब देखते हैं जी 2 पे। यहाँ पे लिखें 0 और 2 यहाँ पे लिखें, इन दोनों को ऐड किया 1, 1 2 2, फिर इन दोनों को ऐड करें -4, -4 प्लस 2 किया -2। अब इन दोनों को ऐड करिए आप तो a प्लस 12 -2 10, a प्लस 10 इसका रिमाइंडर आ गया। अब जब -2 और 2 जो है वो इसके रूट्स हैं तो ये रिमाइंडर जो है वो 0 होंगे। तो हम लिखते हैं -2a प्लस b -24 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं -10, वो इसमें पुट करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। तो देखें a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -10। अब a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो यह आ जाएगा -2a प्लस b -24 इज इक्वल टू 0, a की जगह पे लिखें -10, -10 प्लस b -24 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 20 प्लस b -24 इज इक्वल टू 0, b -4 इज इक्वल टू 0, -24 प्लस 20 -4, तो b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4, ओके। तो यहाँ तक जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, a और b की वैल्यूज हमें मिल गई बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने देखनी अच्छी तरह से। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, इसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और फिर उसकी जो एप्लीकेशन है पूरी एक्सरसाइज पे वो की है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो इसको कंप्लीट करें अच्छे से और मेहनत करें, सही है। तो पंजाबी में कहावत है कि नचना जो है तो गुंड का दा, समझ रहे बात। तो जब आप लोगों ने पेपर देने हैं, सही है, तो फिर अच्छे पेपर दें, अच्छी तैयारी करके पेपर दें, सही है। तो ये जो मुहावरा है वो ज़िंदगी में कहीं भी लगा सकते हैं आप कि जब काम करना है तो फिर करना है, सही है जी, तो अच्छे से करना है काम, सही है। तो इजाज़त दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ये चैनल, इसको सब्सक्राइब करें आप और देखें, आपको जो है ना मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।